नमस्ते अदावर्ष, आज फिर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। लेट हुई, इसके लिए खेद, लेकिन एक बात की बहुत खुशी हुई कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की, जो संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसका बहुत ही अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। फिर भी इधर कहीं कहीं कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री के उस आदेश का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र कोरोना वायरस का वैक्सीन है जिसके माध्यम से कोरोना को हम लोग हरा कर भारत को जिताने में सक्षम होंगे। स्वाभाविक है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं दूसरी बात एक बात बता दूं कि मुझे गर्व होता है, टीवी देखने के बाद, टीवी पर देखता हूं तो गर्व होता है, और गर्व इस बात का होता है कि जब पूरा अमेरिका जैसा अपने आप उसको कहता है कि मैं बहुत विकसित देश हूं, और विकसित होने के बावजूद भी अपने आप को कह रहा है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, और चाइना ने जो गलती किया है तो खैर अब पूरा जब जाहिर है, उसके बावजूद भारत जैसे देश को भारत माँ हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम करते हैं, और भारत माँ है, क्योंकि भारत माँ को अगर के बारे में अगर हल्का सा भी कोई व्यक्ति अगर गलत सोचेगा तो निश्चित रूप से उसको कोड़ फूट जाएगा, मैं तो कहूँगा कोड़ फूट जाएगा, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जब कोरोना तेजी से प्रहार कर रहा है, तेजी से फैल रहा है, तब भी भारत ने मानवता का जो परिचय दिया है, और परिचय देते हुए ईरान से या अन्य स्थानों से अपने अपने भारतीयों को भारत में ला रहा है, इसके लिए मैं भारत माता को ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं, और भारत देश हमारा भारत महान था, है और रहेगा, इस पर गौरवान्वित महसूस मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात की जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई है, उसका पालन कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र वैक्सीन है जो कोरोना रूपी इस भयावह त्रासदी से हमें मुक्ति दिला सकता है। मैंने आज एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर भी और मिशन कलम क्रांति में भी, कि अगर एक स्टूडेंट के जिंदगी से संबंधित कुछ बातें का एक पंक्ति बनाकर डाला था, और जिस पर आप लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ लाइक भी किया है, कि एक स्टूडेंट के लिए तो जब तक वह बेरोजगार रहता है तब तक तो उसका जीवन ही लॉकडाउन है, क्योंकि बहुत समय उसका अगर क्लास में रहे तो क्लासरूम में कट जाता है, या अगर लॉज में रहे तो लॉज में कट जाता है। तो यह लॉकडाउन निश्चित रूप से तफरी और मजाक का नहीं है, यह लॉकडाउन कोरोना के भगाने का एक बहुत बड़ा वायरस है। आज मैं दरोगा के परीक्षार्थियों से बात करूंगा, उससे पहले मैं बीपीएससी के उन परीक्षार्थियों से बात कर लूँ, बीपीएससी के उन परीक्षार्थियों से बात कर लूँ जो 65वीं प्रारंभिक परीक्षा निकाले हैं, 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जिनका निकला है, उनके लिए मैं मुख्य जीएस प्रथम पत्र और जीएस द्वितीय पत्र के संभावित प्रश्न को आपको मैं बता दूं, जिसमें से निश्चित रूप से आएगा, तो स्वाभाविक है कि उस संभावित प्रश्न को आप लोग गहनता से देखिएगा, और तब मैं आ जाऊंगा, फिर दरोगा वाले बच्चों के लिए आ जाऊंगा, लेकिन 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास बच्चों के लिए जीएस प्रथम और जीएस द्वितीय पत्र का आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे में फिर समय निकालकर इतिहास के प्रथम और द्वितीय पद का वो संभावित टॉपिक्स की अब चर्चा करेंगे। फर्स्ट में आपको सबसे पहला प्रश्न है पाल काल। हाँ देखिए, तो ये प्रश्न है पाल कला की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करें या परीक्षण करें। तो परीक्षण शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि पाल कला से संदर्भ में, पाल कला क्या है, ये हम लोग को पहले इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा रखना है कि परंपरागत प्रश्नों को आधुनिक समय के साथ जोड़कर उसका विश्लेषण करेंगे, तभी मार्क्स उठेगा तो पास करेंगे। तो देखिए, जैसे पाल कला के प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें, इसको आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेगा, पाल कला के महत्वपूर्ण विशेषता का परीक्षण करें। दूसरा क्वेश्चन है,
देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पटना कलम शैली क्या है, या पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें। और इसमें आपको आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे पाल कला में आप उसकी विशेषता लिखेंगे तो उसके कुछ महत्वपूर्ण, अगर थोड़ी सी भी नकारात्मक पहलू हो तो उसकी भी चर्चा करेंगे। उसी तरह पटना कलम शैली की महत्वपूर्ण विशेषता की चर्चा करते हुए क्यों पटना कलम शैली काल कलवित हो गई और पतन के गर्भ में समाहित हो गई, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपका है देखिए अब दो प्रश्न जनजातीय आंदोलन में, तीन प्रश्न हमेशा बनता है, तीन प्रश्न हमेशा बनता है, एक संथाल आंदोलन संथाल विप्लव, और दूसरा मुंडा विद्रोह, और तीसरा आपको ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत इस बार छोड़ दीजिएगा, संथाल आंदोलन और संथाल आंदोलन के साथ साथ मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन के कारण परिणाम प्रभाव और मुंडा आंदोलन के कारण परिणाम प्रभाव, इसको आप लोग तो गहनता से पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये आपको ये ध्यान रखना है कि संथाल और मुंडा विद्रोह के कारण प्रभाव के साथ साथ इसने आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विद्रोह में किस तरह की भूमिका का निर्वहन किया, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और यदि अगर बीपीएससी के दिमाग में किसी भी तरह का हो कि वो संथाल मुंडा या ताना भगत से न पूछे, तो वो हो सकता है कि मध्य भारत में या पूर्वी भारत में या दक्षिण भारत में या भारत के किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में हुए जनजातीय आंदोलनों के कारण परिणाम की चर्चा कर सकता है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन संथाल और मुंडा आंदोलन के कारण परिणाम प्रभाव महत्व और विशेषता को आप लोग जरूर देखिएगा। ये तीन प्रश्न, तीन क्वेश्चन है, पाल एक हो गया, दूसरा पटना कलम शैली हो गया, तीसरा हो गया आपको संथाल विद्रोह, चौथा हो गया आपको मुंडा विद्रोह। इसमें से प्रश्न आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में। 1857 ईस्वी के विद्रोह को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से कहा, अर्नेस्ट स्टेनले हो, सीले हो, लॉरेंस हो, काय हो, मेलेसन हो, किसी ने सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने धार्मिक विद्रोह कहा, किसी ने समाजवादी विद्रोह कहा, किसी ने इसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष का परिणाम बताया, तो लेकिन किसी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। तो आप 1857 ईस्वी के विद्रोह के इतिहास के छात्र हैं तो भी, या इतिहास के छात्र नहीं है तो भी, आपको इतना याद रखना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को पढ़ने के क्रम में आप 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप को जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि स्वरूप नितांत आवश्यक है। और तब इस बार के लिए गेस जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, गेस ही कहिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में हुए प्रभाव का विश्लेषण करें, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में हुए प्रभाव का या भूमिका का विश्लेषण करें, इसमें वीर कुंवर सिंह भी आ जाएंगे, स्वाभाविक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब एक बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि वर्तमान संदर्भ में जैसे कहा था कि गांधी की प्रासंगिकता क्या है, गांधी की प्रासंगिकता है कि नहीं है, तो गांधी की प्रासंगिकता इसलिए बन जाती है कि गांधी का सत्याग्रह स्वच्छाग्रह से है, गांधी ने जो कार्य किया उसका वर्तमान संदर्भ में उसका क्या प्रासंगिकता है, उसको तो आप देखिएगा ही देखिएगा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीन महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप अगर इतिहास के छात्र हैं तो तीनों आंदोलन के बारे में तो भली भांति जानते हैं, और इतिहास के छात्र नहीं भी हैं तो भी आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि इसको जानने क्रम में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि असहयोग आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, आजाद दस्ता के विशेष संदर्भ में, इन तीनों का गहनतम अध्ययन कीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, जो हाँ देखिए बहुत लड़के मूल तथ्य को देख लेते हैं, लेकिन एक देखिए आप देखिएगा कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा
और तकनीक, यानी आधुनिक काल में, मैं आधुनिक काल ही कहिए क्योंकि अब हम लोग सो कॉल्ड आधुनिक काल में जी रहे हैं, तो आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा और तकनीक के विकास, यानी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में पाश्चात्य शिक्षा और तकनीक के विकास का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अब देखिएगा, एक है कि स्वदेशी मूवमेंट, हालांकि 1905 का बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन हुआ, लेकिन स्वदेशी पर जोर देकर महात्मा गांधी कौन सा संदेश देना चाहते थे। इस बात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वदेशी पर जोर देकर महात्मा गांधी कौन सा संदेश देना चाहते थे। इसको आप देखेंगे, जरूर देखेंगे और जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपको आ रहा है, हाँ देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि तो है ही, साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय और मानवतावादी सोच, का गहन विश्लेषण आप कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, यह मैं कह रहा हूं आपके लिए जरूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए भले ही सत्ता किसी का रह जाए, कुछ भी रहे, लेकिन मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का छात्र होने के नाते, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारत के आजादी के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के निर्माण में, यानी आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए आप एक चीज इस बार के प्रश्न में देखिएगा कि आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू के योगदान का विश्लेषण करें, तो निश्चित रूप से आप पाइएगा कि आज जितनी भी प्रगति हुई, योजना संबंधित हुआ, बांध बना, जितने भी प्रोजेक्ट है प्रारंभ में, और यानी भारत को मॉडर्न बनाने में जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि को कम करके नहीं आका जा सकता है। इसलिए आधुनिक भारत निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के योगदान को हम लोग जरूर देखेंगे, इसको भी आप लोग एक जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बताने जा रहे हैं, हाँ देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के विशेष संदर्भ में, यानी अब स्वाभाविक है कि एक आइकॉन थे किसान के स्वामी सहजानंद सरस्वती के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए किसान आंदोलन, या यूं कहिए कि बिहार में हुए किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की योगदान भूमिका का परीक्षण करें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्वाभाविक है उस क्रम में चंपारण सत्याग्रह और नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन आंदोलन, आपको मोपला विद्रोह, इधर आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो इस बार के लिए 65वीं मुख्य परीक्षा के लिए है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए किसान आंदोलन पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये खंड एक का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, अब खंड टू का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में हुए शराबबंदी, बिहार में हुए शराबबंदी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक विशिष्ट परीक्षण करें, बिहार में हुए शराबबंदी के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसको जरूर देखिएगा, यह शराबबंदी कानून का यह क्वेश्चन आएगा या आना चाहिए, इसको जरूर आप देखेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आतंकवाद एक बहुत कॉकटेल है और पाकिस्तान के लिए तो ये समझिए कि कॉकटेल ही है, तो आतंकवाद को विशेष मुद्दा मानते हुए, विशेष संदर्भ में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के संबंध पर प्रकाश डालें तथा भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधारने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं,
इसको आप देखेंगे आतंकवाद को केंद्र बिंदु में रखते हुए, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको है, देखिए सुरक्षा परिषद में सुधार, सुरक्षा परिषद में सुधार तथा भारत का भारत की अस्थाई सदस्यता, सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थाई सदस्यता को लेकर हमेशा मांग उठाई जाती रही है और उठती रही है। तो सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत के अस्थाई सदस्यता के लिए भारत का क्या क्या पक्ष है उसको तर्कपूर्ण ढंग से आप परिभाषित करें यानी वर्णित करें। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए अगर विदेशी अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम लोग जाएंगे तो भारत चीन हो गया, भारत नेपाल हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, भारत मैंने क्या बताया, भारत भारत चीन, भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत अमेरिका और भारत बांग्लादेश, ये चारों के साथ भारत के संबंध को देखिएगा। केवल व्यापारिक नहीं, केवल आर्थिक नहीं, केवल राजनीतिक नहीं, अभी तो आपको क्वेश्चन लिखने के क्रम में, उत्तर लिखने के क्रम में आर्थिक राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ सांस्कृतिक और सांस्कारिक पहलुओं पर भी जोर देना है जो कि नितांत आवश्यक है, इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पक्ष में अपना तर्क दें, इसका और आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है इस पर भी चर्चा करें, लेकिन ये तर्कपूर्वक समझाएं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, इसका विरोध क्या हो रहा है, ये सब तर्क के साथ इसको समझाने का प्रयास करें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, 65वीं मुख्य परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या जम्मू कश्मीर से 370 की समाप्ति समय और परिस्थिति की मांग थी, तर्क सहित इसका परीक्षण करें। क्या जम्मू कश्मीर से 370 की समाप्ति समय और परिस्थिति की मांग थी, तर्क सहित इसका आप परीक्षण करें, विश्लेषण करें, इसको भी देख लीजिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम जम्मू कश्मीर 370 जो हटा वो, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत यूएसए के साथ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, हाल ही में नियुक्त भारत में, गौर सुनिएगा, हाल ही में नियुक्त भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाल ही में नियुक्त भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नियुक्ति तथा उसकी भूमिका का वर्णन करें, उसकी तथा इस पद की आवश्यकता की क्या प्रासंगिकता है उस पर अपना पक्ष रखें, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम बताने जा रहे हैं आपको, बोडो समस्या क्या है, बोडो समस्या का वर्णन करते हुए 2020 में हुए बोडो जो समस्या, बोडो समस्या संबंधी जो बातें हुई हैं 2020 में उससे उसके महत्व पर प्रकाश डालें, और बोडो समस्या क्या है इस पर प्रकाश डालें, और क्यों 2020 में क्या क्या हुआ है इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र का भारत के लिए महत्व को रेखांकित करते हुए, हिंद प्रशांत क्षेत्र का भारत के लिए महत्व, भारत के महत्व का रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में भारत के द्वारा की गई पहल का वर्णन करें या उल्लेख करें, निश्चित रूप से इसको भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उस तनाव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका परीक्षण करें। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बताने जा, चीन का दक्षिण पूर्वी एशिया पर बढ़ते प्रभाव, चीन का दक्षिण पूर्व एशिया पर बढ़ता प्रभाव, चीन के कूटनीति का कहिए, चीन के कूटनीति का दक्षिण पूर्व एशिया पर बढ़ते प्रभाव का भारत पर कौन सा असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा आप लोग जरूर करें। और इसी में आप जोड़ लीजिएगा कि चीन के इस कूटनीति के को संतुलित करने के लिए भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये पेपर सेकंड का खंड फर्स्ट देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व का तुलनात्मक अध्ययन करें। एक बात हम पहले आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय भूगोल या ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न में परंपरागत प्रश्नों के साथ साथ वर्तमान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष नजर डालिएगा। अब इस पर देखिए, खंड सेकंड का खंड का यानी कि मूल मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का तुलनात्मक अध्ययन करें, मौलिक अधिकार और नीति तत्व का तुलनात्मक अध्ययन करें। दूसरा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य क्या है, ये जानना चाहिए आपको, इसको देख लीजिएगा, मूल कर्तव्य क्या है। राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री दोनों के बारे में जरूर देखिएगा, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री दोनों के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको शुरू से उठाइएगा, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। नेक्स्ट, चुनाव आयोग, चुनाव में नौकरशाही की भूमिका और चुनाव सुधार, चुनाव सुधार, चुनाव आयोग, चुनाव में नौकरशाही की भूमिका और चुनाव सुधार, ये दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2019, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बताइए आप, राजनीति का अपराधीकरण, ये तो बहुत ही परंपरागत प्रश्न है लेकिन इसको आप जरूर देख लीजिएगा, कहे कि ये परंपरागत है, हमेशा नया ही रहता है, राजनीति का अपराधीकरण किस हद तक हुआ है, इसमें कहां कमी हुई है, किससे इसको दूर किया सकता है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट आपको है नक्सलवाद, ये भी बहुत परंपरागत प्रश्न है लेकिन अत्याधुनिक प्रश्न है, हाल ही में सुकमा में हमारे 17 जवान शहीद हो गए, उनके शहीद को नमन है, सैल्यूट है कि वह हम जिनके बल पर हमारा देश खड़ा है वो 17 शहीद हो गए, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में उन पर ज्यादा फोकस नहीं डाला गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो नक्सलवाद जरूर देख लेंगे, नक्सलवाद के बाद आप नेक्स्ट इसमें हम बताने, राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका, राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका, इसको भी देखिएगा, जरूर देखिएगा। और है, मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गुरु रहमान, कि धर्म और जाति दो ऐसे कीटाणु हैं, जो हम कहें कि अगर कोरोना वायरस एक, दूसरा धर्म वायरस दो,
तीसरा आपको जाति वायरस, तीन, ये तीन को वायरस है। तो भगवान करे कि ये तीनों वायरस का अंत हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस तो जान ले ले रहा है। और ये धर्म और जाति बहुत कुटकुट को भरा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक से मिक्स वेजिटेबल और सिचुएशन है। हमारे यहाँ बिल्कुल ही सब कुछ की चर्चा होती है धर्म और जाति की छोड़ के, तो स्वाभाविक है ये धर्म और जाति की राजनीति में भूमिका और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी भूमिका है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें संतुलित लिखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लिखने क्रम में कहीं एक तरफ आप झुक जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास के लिए भी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही साथ जीएस के सेकंड पेपर के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रीयवाद या क्षेत्रीयतावाद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी परंपरागत प्रश्न है, लेकिन हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आरक्षण, आरक्षण भी देखिएगा कि आरक्षण भी एक परंपरागत प्रश्न है, लेकिन इसमें हमेशा सोसा छोड़ा जाता रहा है। और अभी तो 10% जो EWS एस वाला आ गया है, इसको भी आप लोग जोड़कर देखिएगा, आरक्षण को, आरक्षण पर भी अच्छा सा टॉपिक बना लीजिएगा, ताकि आप लोग इस पर किसी तरह का प्रश्न है उसको लिख सके। भाषावाद यानी भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर समानता असमानता, भाषाई आधार पर विभिन्नता, भाषाई आधार पर उत्पन्न होने वाले विवाद, इस पर भी आप लोग गहराई से अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको धर्मांतरण या लव जिहाद। तो भाई रे, इसमें तो हम क्या बोले आपको, धर्मांतरण और लव जिहाद। धर्मांतरण तो हमको समझ में आता है, कहे कि बहुत सारे गरीब दबे कुचले लोगों को हम देखते हैं कि वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पता नहीं पहले इस्लाम धर्म में भी कन्वर्ट हुआ है लोग की नहीं हुआ है, या जबरदस्ती किसी को कोई कन्वर्ट करा दे, हमको तो नहीं लगता है। और लव जिहाद जो मुद्दा है ना, ये 100% राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि लव अगर है तो जिहाद नहीं हो सकता है, और अगर जिहाद होगा तो लव नहीं होगा। क्योंकि लव जिहाद की अगर बात करो तो मेरा उदाहरण देख लीजिए आप स्पष्ट रूप से, कि अगर लव जिहाद होता, लव जिहाद की बात होती, तो मैं डॉक्टर एम रहमान, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्या अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, इसमें आपको क्या कहिएगा कि ये लव जिहाद है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको देख लेना है और देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि उन बिंदुओं को टच ना करें जो नकारात्मक पहलू से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता, यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यायिक सक्रियता भी देख लीजिएगा, न्यायिक सक्रियता भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज संबंध। मैं थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लीजिए, हालांकि फेसबुक पर तो रहता ही है। नेक्स्ट है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मेरा वोट है भाई मिलना चाहिए। तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा से संबंधित प्रश्न अगर आएंगे तो इसमें आप लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि मिलना चाहिए, समझे। नेक्स्ट प्रश्न है, खंड सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की दिशा और दशा का विश्लेषण करें। स्वतंत्र भारत की आर्थिक विकास का दिशा और दशा का विश्लेषण करें। दूसरा है धीरे धीरे सुनिए, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की दिशा और दशा पर प्रकाश डालें। इसी में प्रथम से लेकर 12वीं योजना
प्रथम से लेकर 12वीं योजना तक का भारत और बिहार पर हुए प्रभाव और उसका विकास और इसी के अंतर्गत है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन और फिर और इसी में देख लीजिएगा नीति आयोग। नीति आयोग इसी में आप देख लीजिएगा नीति आयोग। नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना है, जरा धीरे धीरे आप लोग गौर से सुनिए। महत्वपूर्ण योजनाएं में है, पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। दूसरा है मनरेगा, दूसरा है मनरेगा। तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। चौथा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और स्वच्छ भारत अभियान, सत्याग्रह, स्वच्छ ग्रह, महात्मा गांधी का ये भी यहाँ भी प्रसन्नता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ गंगा परियोजना, इसको देखिएगा। निर्मल गंगा परियोजना की जो बात हो रही है, स्वच्छ गंगा परियोजना, इसको जरूर देखिएगा। हम लोग तो हिंदू, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। नेक्स्ट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। चौदहवा वित्त आयोग, चौदहवा वित्त आयोग। जीएसटी, 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 सब इसी में है। इसको आप लोग इस पर गहराई से देखिएगा। नेक्स्ट हम बोलने जा रहे हैं देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कृषि से रिलेटेड है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कि इसे क्वेश्चन आना चाहिए। कृषि संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उसको देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, पहला है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या। दूसरा, भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण समस्या तथा इसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में प्रगति हुई है। तीसरा है जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक कृषि। चौथा है विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि, WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर, विश्व भारतीय कृषि, विश्व व्यापार। हाँ, नेक्स्ट, हाँ, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, तीनों को देखिएगा। जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या। हाँ, छठा में है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात मुख्य निश्चय जो हैं, सात मुख्य निश्चय क्या क्या हैं।
इस पर थोड़ा सा गहराई से देख लीजिए, क्वेश्चन आता हूँ एकदम फिक्र दिमाग में बिठा लेके, तो क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री के साथ निश्चय निश्चय नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार की उपलब्धि। आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार की उपलब्धि में भी पूछ दे कि आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार तो नीतीश सरकार की उपलब्धि हो गया, तो एक क्वेश्चन इस तरह के बिहार पूछता रहा है तो कोई इतना याद रखिएगा आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार की क्या क्या उपलब्धि रही है इसको देखिएगा। नेक्स्ट संघी संघीय बजट 2019 से 20 आर्थिक संघीय बजट 2020-21 आर्थिक सुस्ती को दूर करने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसको नोट्स पॉइंट वाइज करके नोट्स बना लीजिएगा, फायदा करेगा बहुत ज्यादा। हाँ, खंड तीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खंड तीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दिशा और दशा पर प्रकाश डालें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा और दशा पर प्रकाश डालें इसको आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण के कारण परिणाम एवं उसके समाधान पर्यावरण प्रदूषण के कारण परिणाम एवं समाधान तीसरा क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास में भारत की पर्यावरण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन से संबंधित कोई क्वेश्चन था, मिस कर रहे हम, कार्बन से संबंधित कोई क्वेश्चन है उसको कार्बन क्रेडिट हाँ इसको देख लीजिएगा, कार्बन क्रेडिट देख लीजिएगा, धीरे धीरे हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सुन सकिए। नेक्स्ट ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न पहला है उसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट अभी बस जस्ट इतना के बाद हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से आप इसको गहराई से इसका देखेंगे। आगे हम बता रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा तथा भारत की नाभिकीय ऊर्जा नीति भारत की नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम परमाणु उत्तरदायित्व कानून 2010 नेक्स्ट है क्वेश्चन मुझे में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके विकास अब जो डेवलपमेंट हुआ इसको जरूर देखिएगा, हमेशा ये टेक्निकल हम लोग के जमाने से पूछता रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य इसके उस उद्देश्य इसको देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य
प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, उसमें चंद्रयान देखिएगा आप लोग जरूर। चंद्रयान हालांकि बहुत सफल नहीं हो सका, लेकिन चंद्रयान को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बता रहे हैं आपको। उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा आम भारतीय के जीवन में इसके प्रभाव, उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा आम भारतीयों के जीवन में इसके प्रभाव। अंतरिक्ष बाजार और भारत स्वदेशी जीपीएस सिस्टम इसको देख लीजिएगा। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम इसको आप लोग देख लेंगे। चंद्रयान मैंने पहले बताया, चंद्रयान तो इसको देखेंगे ही, चंद्रयान बताएंगे आप। मंगलयान भी देख लीजिएगा, मंगलयान देख लीजिएगा। इसरो के अन्य महत्वाकांक्षी अभियान क्या क्या है इसको आप देखिएगा। इसरो के अन्य महत्वाकांक्षी अभियान इसको आप लोग जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ट्रांसजेनिक कृषि वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है। ट्रांसजेनिक कृषि। नेक्स्ट स्टेम सेल थेरेपी इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्लोनिंग समझ रहे हैं, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग लगभग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको नार्को टेस्ट, नैनो प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन, जैविक कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, कचरा प्रबंधन इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट जो है आपको, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संबंधित चीज, कोरोना अभी तो जितना बड़ा त्रासदी बन गया है कि कोरोना वायरस से को विस्तार से देख लेंगे। स्टेटिस के प्रश्न को मैंने इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया है, यह प्रैक्टिस का चीज है और निश्चित रूप से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जिन जिन प्रश्नों की चर्चा आपके सामने की है और जो प्रश्न मैंने हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको मैंने दिया है, वह निश्चित रूप से अति विशिष्ट प्रश्न है जिसको देखा जाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। रही बात की कुछ अन्य बातें जो तो आप उसको देखेंगे क्योंकि आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर देखिएगा क्योंकि यह नितांत आवश्यक है। इसको देखने के पश्चात और स्टेटिस के लिए एक मैं टिप्स दूंगा कि स्टेटिस का प्रैक्टिस जरूरी है और प्रतिदिन आधा घंटा 45 मिनट स्टेटिस का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। यह आपके लिए नितांत आवश्यक है, यह मेरे तरफ से अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है। इस भयावह त्रासदी, कोरोना रूपी दानवीय त्रासदी के से जो हम लोग गुजर रहे हैं, इससे जल्द से जल्द माँ दुर्गा चैत्र नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा रब्बुल आलमीन इससे हम लोग को निजात दिलाए और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो ताकि आप मन शांत करके उसको पढ़ सके। लेकिन मैंने सोचा कि 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जीएस प्रथम और जीएस द्वितीय प्रश्न संबंधित जो मेरा अनुभव है
और जो विश्लेषण है और जो 25 साल से पढ़ाने का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैंने सारे प्रश्न को आपके सामने रखा है, जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपको जो देखना है वह आप देखिएगा, लेकिन इतना को जरूर देख लीजिएगा। और स्टेटस का प्रयास, स्टेटस को, स्टेटस का डेली आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेक्ट्रम हो जाए जिससे आपको लगे कि अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है और इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा मेडिसिन है सामाजिक दूरी बनाए रखने का। तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया गया है, पूर्ण लॉकडाउन किया गया है, उसका पालन कीजिए। यह आपको दंडित करने के लिए नहीं, अभी तो आपके जीवन को बचाने के लिए है। यह आपके आपके लिए है, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए है। मत भूलिए कि आपके पीछे आपका परिवार भी है, आपको आपका योगदान भी भारत के बनता है। और जो व्यक्ति इस अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, उसे देशद्रोह से कम नहीं, मैं तो कम से कम नहीं आगे गए। तो स्वाभाविक है कि आप इस अंतर्राष्ट्रीय जो संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, इसका पालन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कोरोना वायरस का जल्द से जल्द अंत हो। फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक, इस उम्मीद के साथ कि जिन जिन प्रश्नों को मैंने आपके एक पॉइंट आउट करके आपको दिया है, मैंने 65वीं मुख्य परीक्षा के लिए जीएस प्रथम और जीएस द्वितीय पत्र के लिए करेंट, ये आपको स्टेटस को छोड़ के इसको आप लोग इस भयावह त्रासदी के क्रम में ही इसको आप लोग पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ईश्वर कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाए। जय हिंद।